अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अनदर वीलॉग। और वीलॉग में आज हम बना रहे हैं जल्दी से, कल हमने बनाई थी आलू की टिक्की और आज हम बनाएंगे चिकन की टिक्की, यानी कि चिकन के चप्पल कबाब, जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। ऑलमोस्ट आधा किलो से तीन पाव चिकन है मेरे पास, जिसका मैं कीमा बनाऊंगी। और इसके साथ मसालों में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च। और ड्राई में मैं लूँगी टमाटर, दो हरी मिर्चें और दो अदद प्याज और एक अंडा। पहले हम कीमा बना लेते हैं, जिसमें हम प्याज को ग्राइंड करके जो है ऐड ऑन कर लेंगे, चॉप कर लेंगे, और टमाटो हम हाथ से काट के ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर चप्पल कबाब, चिकन चप्पल कबाब। वेलकम बैक। और वेलकम बैक में चिकन हमारा जो है प्याज और हरी मिर्च के साथ जो है वो कल चॉप्ड हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, सिर्फ मैं टमाटर वाली साइड डालूंगी। और उसके बाद ये मेरे पास मसाले हैं, जिनमें मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ मैं एक अंडा जो मैंने आपको दिखाया है वो मैं इसमें डालूंगी और हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं हरा धनिया, क्योंकि मोहम्मद और मोहम्मद के फादर जो है दे डिड इन लाइफ, तो आप धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल मिक्स्ड। अब हम इसके कबाब शेप करके इनको गर्म ऑयल में बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड। सो कीमा जो है वो मिक्स हो गया है और मैं थोड़ा सा भूल गई थी चिली फ्लेक्स को ऐड करना, वो मैंने ऐड कर लिया है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी, लाइक 10-15 मिनट्स, ताकि जो है ना चिकन के कीमे के अंदर हर चीज़ का जूस जो है वो ज़्यादा आ जाए। टमाटर हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि चिकन के कबाब जो हैं वो ड्राई बनते हैं थोड़े से, तो मैंने ब्रेड ऐड नहीं की है। सादे हम चिकन के कबाब बना रहे हैं, विच इज़ सिंपल चप्पल कबाब। सो फ्राइंग के लिए स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और वेलकम बैक विद द बैंग ऑफ चप्पल कबाब। चप्पल कबाब का मिक्सचर जो है मैंने इसको रेडी कर लिया है। और व्हाट आई एम गोना डू इज मैं इस तरह से लूँगी और टमाटर जो है वो इसके ऊपर हल्के हल्के लगा के इनको मैं फ्राई करने के लिए ऐड करूँगी कढ़ाई में। सो इस शेप से आप पतले बनाना चाहें तो पतले बना सकते हैं, और थोड़े से अगर आप इनको मोटा रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा चिकन ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सो दिस वे आई एम गोना पुट इट इन द फ्राइंग पैन। वंस अगेन मैंने ये लिया टमाटर को, मैंने इसकी अपर साइड पे रख रहे हैं ताकि ये जूसी बने। एंड अब मैं इसको ऐड कर दूँगी पैन में। पैन आई एम गोना शो यू इन अ वाइल कि पैन में जो चप्पल कबाब हैं वो फ्राइंग के लिए जाने के बाद कैसे लग रहे हैं। और लाइक दिस टमाटर ऑन टॉप। सो दिस इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। इसमें मसाले जो हैं हमने बहुत कम रखे हैं, और चिकन और एग जो है वो बहुत ही आला है। दिस वे आई एम गोना पुट इट इन साइड। दिस वे एक टाइम पे मैं 5 की सर्विंग जो है वो बना रही हूँ, और आई एम गोना सर्व 5 एट द मोमेंट। सो नाउ चलते हैं कढ़ाई की तरफ। एन ऑसम बैंग ऑफ चप्पल कबाब। और ये देखें वन साइड जो है इनकी कोकोना शुरू हो गई है, लो फ्लेम पे बनाएंगे क्योंकि चिकन का कीमा है और उसमें पकना है। एंड दे आर ऑल सेट एंड डन फॉर द फ्राई। तो स्टे ट्यून्ड इनके गोल्डन होने तक। सो आई जस्ट टर्न देम अराउंड, मैंने कबाब जो है उनको टर्न किया है एंड दे आर फ्राइंग। एक साइड हो गई है, दूसरे से टर्न किया, नाउ दे सर्व। और मैं सर्व करूँगी इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ। सो सर्विंग प्लेट की तरफ चलते हैं और सर्व करते हैं। रॉकिंग चिकन चप्पल कबाब जो हैं वो ऑन द वे टू सर्व है। सर्विंग प्लेट मेरे पास आ चुकी है। आई जस्ट टर्न देम अराउंड। दोनों साइड से आप देखें जैसे कि ये परफेक्टली बन चुके हैं। मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखे इसलिए बनाए हैं कि ये थोड़े से चिपकने का अच्छा होता है। आप चाहें तो इनको कम ऑयल में भी बना सकते हैं। सो अब हम इनको निकालेंगे सर्विंग प्लेट में। एंड दे आर ऑसम, दे आर जूसी, दे आर वेल।
दे आर ऑलरेडी इन द सर्विंग प्लेट, और आप इनको बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनको नान रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और राइस के साथ भी। सो आई एम गोना जस्ट शेयर देम, और ब्लॉग अगर आपको पसंद आया लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। इट्स वेरी इजी रेसिपी। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।